ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? बाबा के पास क्यों आए हैं हम सब? देवता बनने, देवता बनने से पहले हम सब बाबा के पास आए हैं। आज भी बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए। और कर्मातीत कैसे बनेंगे? आज की मुरली में ही बाबा ने कहा है, कर्मातीत कैसे बनेंगे? सारे बोझ बाबा को देकर कर्मातीत बन जाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब सारे बोझ तुम उठाओ, हम कर्मातीत। बाबा भी सोचते होंगे अच्छा है, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर। कर्मातीत कैसे बनेंगे? आज बाबा ने होमवर्क दिया है ना। बाबा ने कहा कर्मातीत वो बनेंगे जो कर्म योगी बनेंगे, क्योंकि कर्मातीत हमारी एक सबसे सुंदर श्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें कर्म और कर्म के प्रभाव से मुक्त स्थिति है। बड़ी दादी जी ने भी धुन लगा दी थी ना, मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। ये हम सब के जीवन का ध्येय है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कर्म योगी बनना होगा। अभी ही अपने कर्मों में योग को शामिल करना होगा, जो आज बाबा ने कहा। ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही कर्म किए जा रहे हैं, योग कर रहे हैं तो योग ही योग किए जा रहे हैं, दोनों का बैलेंस। और साथ ही अपने हर कर्म में योग को शामिल कर लें, क्योंकि बाबा ने कहा जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना तुम्हारे कर्म का कोई महत्व नहीं है। कितनी गहरी और अंडरलाइन करने वाली बात है। कर्म हम भी कर रहे हैं और संसार वाले भी कर रहे हैं, राइट? जो कर्म हम करते हैं वही कर्म संसार वाले भी तो कर रहे हैं ना। वो भी जॉब करते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी घर के काम करते हैं। करते हैं या नहीं करते, अंतर क्या है? अंतर क्या है? हम योग युक्त होकर करते हैं, वो योग मुक्त होकर करते हैं। और यदि हम भी योग युक्त होकर कर्म ना करें तो हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। फिर कर्म हमें बांधते रहेंगे और हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बाप समान अवस्था का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में जो श्रेष्ठ प्राप्तियां चाहते हैं, आध्यात्मिक प्राप्तियां, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब योगी जीवन वाले बन जाओ। हम योग लगाने वाले हैं या योगी जीवन वाले हैं? जीवन वाले हैं। और बाबा ने लास्ट मुरली में ही कहा कि जीवन अर्थात सदा। ऐसे नहीं कि एक साल, मान लीजिए आपका सरनेम सिंह है तो एक साल के बाद वो सिंह बदल जाता है क्या? मान लीजिए आप शर्मा हैं, एक साल के बाद आप वर्मा तो नहीं हो जाते ना, कि भाई मैं पिछले साल शर्मा जी था, इस साल मैं वर्मा जी हो गया हूँ, या पिछले साल मैं सिंह था, इस साल मैं कश्यप हो गया हूँ। अब ऐसा तो नहीं होता ना। जहाँ हमने जन्म लिया वही हमारी पहचान हो जाती है, राइट? तो यदि मैं योगी जीवन वाला हूँ तो योग मेरे जीवन में हो, तब कहेंगे योगी जीवन। हम योग लगाने वाले नहीं है कि मैं योग करने के लिए जा रहा हूं तो अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं योग मुक्त हूं, अब मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूं योग लगाने के लिए, ये नहीं। अब वक्त की ये मांग है कि हम योगी जीवन वाले हो जाएं।
कर्म योगी बन जाएं, निरंतर योगी बन जाएं, क्योंकि जो योगी जीवन वाले होंगे वही सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा है अंतकाल में जब चारों ओर विनाश का हाहाकार होगा, जो योग युक्त होंगे उनके कदम उधर ही बढ़ेंगे जिधर सेफ्टी होगी, और जो योग युक्त नहीं होंगे उनके कदम कहीं भी जा सकते हैं। जो योग युक्त होंगे उनका जिम्मेवार बाबा होगा, और जो योग युक्त नहीं होंगे वो अपने जिम्मेवार स्वयं होंगे। तो उसकी प्रैक्टिस कब से करनी होगी? अभी से करनी होगी ना। अभी मान लो इतना सुंदर वातावरण है, इस अच्छे वातावरण में बैठ करके भी मुझे नींद आ रही है। बाबा कहते हैं आँख खोल कर मुझे याद करो, और हम मुंह खोल के याद करते हैं। ऐसे वातावरण में जबकि इतना सुंदर वातावरण है, हम योग करने के लिए बैठे हुए हैं, और उसमें भी यदि मेरा योग नहीं लग रहा है, अंतकाल में बाबा कहते हैं पांचों तत्व पांचों विकार अपने फुल फोर्स में होंगे, मेरे देह का भी बंधन कर्म बंधन हिसाब किताब सब मेरे साथ होंगे, ऐसे में क्या मैं योग युक्त हो पाऊंगा? इसीलिए कहते हैं लंबे काल का अभ्यास चाहिए। जो जितने लंबे काल का अभ्यासी होगा उतने ही वो अंतकाल में बाबा की याद में सहज स्थित होगा, और जितने लंबे काल का अभ्यासी होगा उतने ही लंबे काल की प्राप्ति भी होगी। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस ये एक छोटी सी कर्मेंद्री कभी कभी चलायमान हो जाती है, छोटी सी, कभी जिह्वा हल्की सी धोखा दे देती है, कभी आँखें इधर उधर चली जाती हैं, कभी कान से यहाँ वहाँ की बातें सुन लेते हैं, बस एक छोटी सी कर्मेंद्री, बाकी सब हमारी तरफ से ओके है, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहो बाबा, बस जैसे ही आप घंटी बजाएंगे फट से हम चल पड़े। तो बाबा को भी हम निश्चिंत करते रहते कि आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। हो पाएगा ऐसा? अभी की जो आदत है छोटी छोटी कर्मेंद्रियों का अपना प्रभाव, पास्ट का प्रभाव, किसी ना किसी पुराने स्वभाव संस्कार को जो लेके हम चलते हैं, चलेगा ये? अंत में छोड़ पाएंगे इसे? छोड़ पाएंगे? मनोहर दादी जी बहुत अच्छी हंसी की कहानी सुनाया करती थी कि एक माता जी थी, लंबे समय से ज्ञान में थी, कहती थी हर प्रकार से मैं आ सकती नहीं है, बाबा कहेंगे और मैं चल पड़ूंगी, लेकिन अंत समय में देह नहीं छोड़ पा रहे थे, सब प्रकार से सब युक्तियां कर ली लेकिन देह नहीं छोड़ पा रहे थे। तो उनके छोटे बेटे ने कहा कि हो सकता है मम्मी को ना पानी पूरी बहुत पसंद था, पानी पूरी खिला के देखते हैं मम्मी को। अब मम्मी के लिए पानी पूरी बनाया गया, अब पानी पूरी मम्मी के अंदर और मम्मी बाहर। तो मम्मी कहाँ अटकी हुई थी बताओ? अब इतने साल से यहाँ ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए यदि मैं यहाँ अटकी हुई हूँ तो क्या कहेंगे? इसीलिए कहा अच्छे लंबे काल का अभ्यास, कहीं भी चलाव नहीं। बाबा ने कहा यदि अभी चलाएंगे तो अंत में चिल्लाना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने कर्म योग को बढ़ाना है, ये समय की मांग है। इसलिए हमें योग युक्त होने की जरूरत है क्योंकि पास्ट के 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ अभी भी यदा कदा हमसे कुछ ना कुछ गलतियां खामियां हो जाती हैं, उन विकर्मों का बोझ। कब हम विकर्माजीत बनेंगे? कब विकर्मों के बोझ को अपने सिर के ऊपर से हटाएंगे? और बाबा ने तो ये कहा है, याद रखें इस चीज को, अभी तो तुम केवल अपने विकर्मों को नष्ट करने में लगे हुए हो, आने वाले समय में तुम्हें अपने योग बल से औरों के विकर्मों को भी नष्ट करना होगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो सोचे कितना हमें योग बल की जरूरत होगी। और यदि अपने विकर्मों को नष्ट नहीं कर पाए तो क्या करना होगा? क्या होगा फिर? बाबा ने दो ही तरीके बताए हैं, या तो योग बल से अपने विकर्मों को नष्ट कर लो या फिर भोग बल से। हाँ, तो कौन कौन धर्म राज्य से मिलना चाहता है, जरा हाथ उठाएं। अच्छा है विद्या दीदी, 4-5 धर्म राज्य से मिलना चाहते हैं।
आपको पता नहीं धर्मराज जी क्या करते हैं, उनकी खातिरदारी अलग किस्म की है। वो गरम गरम तेल में डाल के पकौड़ा बना देते यूं तो आपको पकौड़े अलग से मिलते हैं, वो खुद आपका पकौड़ा बना देंगे। हाँ, तो हमें धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। हाँ, तो यदि हमें अपने विकर्मों को दग्ध करना है, एक तो अब नए विकर्म हमसे ना हो, और दूसरा जो पास्ट के विकर्म है उन्हें हम योग युक्त होकर चुक्त करते चलें। जितना योग युक्त रहेंगे विकर्मों से मुक्त रहेंगे, योग युक्त रहेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे, अपनी कर्मेंद्रियों को जीतते जाएंगे। बाबा ने कहा है, बिना योग बल के तुम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकते, स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक विश्व राज्य अधिकारी भी तो नहीं बन सकेंगे ना। इसीलिए हमें अपने आप को कर्म योग की ओर अब लेकर चलना है, ताकि हम कर्मेंद्रियों की मालिक बन जाएं, इनके अधिकारी बन जाएं। मन मुझे ना चलाए, मैं मन को चलाऊं, कर्मेंद्रियां मुझे ना चलाएं, मैं कर्मेंद्रियों को चलाऊं, ऐसे राजा। ये योग के बल से ही संभव हो सकेगा, अभ्यास से ही संभव हो सकेगा। और जितना हम योगी बनते चलेंगे, उतने ही सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। हमारी दृष्टि से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्प से आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तभी तो हम इष्ट देव के रूप में प्रख्यात होंगे ना। लोग ऐसे ही गायन थोड़ी करते हैं। गांधी जी का गायन है, नेहरू जी का गायन है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का गायन है। क्यों गायन है? कुछ किया तब तो गायन है ना। हमने भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, हमने ही लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दी है, उनका कल्याण किया है, तभी ये गायन है। ये कार्य कौन कर पाएंगे? जो योगी होंगे। तो तैयार हैं योग युक्त होने के लिए? इसकी महत्ता को अपने पास जरूर लिख करके रखा करें। क्यों योग युक्त होना जरूरी है, क्यों कर्म योगी बनना जरूरी है? जब इसकी महत्ता हमारे सम्मुख होगी आने वाले समय में, आज भले ही कोई मंच पर हो, लेकिन आने वाले समय में योगी आत्माएं मंच पर होंगी, वही सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, वही सर्व आत्माओं को गति सदगति प्रदान करेंगे, उन्हीं से परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे, वही पुण्यात्मा और महात्मा के रूप में गाए जाएंगे, पूजे जाएंगे। इसीलिए अपने आप को अब योग की ओर हम लेकर के चलें। लेकिन इसका आधार भी हमारे पास होना जरूरी है। योग ऐसे ही तो नहीं लग जाता। एक तो हम अच्छी प्रैक्टिस करें, दूसरी बात जिन्हें योगी बनना है उन्हें अंधे, बहरे और गूंगे होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक दुनिया दिखाई देती रहेगी, दुनियावी बातें सुनाई देती रहेंगी, दुनियावी बातें ही मुख से हम चर्चा करते रहेंगे, तो योगी नहीं बन सकेंगे। आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया था कि बच्चे आज ऊपर रहो, नीचे नहीं। विचार करें, सारे कल्प हम नीचे ही रहते हैं, इस साकार सृष्टि में ही रहते हैं ना। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में ही, केवल संगम युग में हमें ऊपर के दो लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का। सोचे परम धाम में क्या स्थिति होगी, क्या अनुभूति होगी कि शिव बाबा वहां से नीचे ही नहीं आना चाहते। सूक्ष्म वतन में भी क्या अनुभव होगा कि ब्रह्मा बाबा जब से गए हैं वहीं बैठे हुए हैं कि अब मैं यहीं रहूंगा। हमारे पास केवल संगम युग है इन ऊपर के दो लोकों का अनुभव करने का, अपने माता पिता को बहुत गहराई से जानने और अनुभव करने का। बाबा चैलेंज करते कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही जानते हैं, है ना। मैं अपने बाप को ना जान सकूं कि वो कौन है, क्या है, तो फिर मेरे इस जीवन में कुछ ना कुछ अभाव रह जाएगा, कमी रह जाएगी। जानेंगे कैसे? जब उनके साथ रहेंगे, समीप रहेंगे। इसीलिए योगी अर्थात अब ऊपर रहना शुरू करें। रह सकते हैं ऊपर या नीचे वाले आपको खींच लेते हैं?
क्या स्थिति, ऊपर रह सकते हैं या नीचे वाले रहने नहीं देते आपको ऊपर? भाई साहब कह रहे थे ना कि अपने मन का ही बंधन है, अब मन के बंधन को तोड़े, मन मना भव हो जाए, प्रैक्टिस भी करें, और साथ ही देखिए प्यार। हमारे योग का आधार क्या है? कर्म योग का आधार है प्यार। व्यक्ति किसके साथ रहना पसंद करता है? जिसके साथ प्यार है। आपने प्रेमी प्रेमिकाओं को देखा होगा, सागर के किनारे बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लेकिन सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, या बगीचे में भी सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे प्रेमी प्रेमिका। क्यों? प्यार है, इसीलिए एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। तो वो प्रेमी प्रेमिका सारे दिन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हम अपने परम प्रियतम के साथ, अपने परम मित्र के साथ, अपने साजन के साथ, अपने परम शिक्षक सद्गुरु के साथ, जो हमारा संसार है, क्या हम उसके साथ नहीं रह सकते? मीरा जी प्रेम में डूबी रहती थी, उनको देख करके श्री कृष्ण जी दिखाई दिया करते थे, क्या हम ऐसे प्रेम में नहीं डूब सकते? बाबा ने हमें कितना कुछ दिया है, बाबा हैं तो हम हैं, यदि बाबा को अपने जीवन से माइनस कर दें तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता। तो बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया है, बाबा के प्यार को, उपकार को, उन प्राप्तियों को याद करके हम उनके प्यार में डूबे रहा करें। प्यार आधार है योग का। बाबा जिसको कहते हैं, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, और यदि तुम्हें योग में मेहनत करने की जरूरत पड़ती है तो स्पष्ट है कि मोहब्बत कहीं ना कहीं कम है। या तो मोहब्बत बच्चों से जुड़ी हुई है, पति से जुड़ी हुई है, वस्तुओं से जुड़ी हुई है, या पुराने संसार से जुड़ी हुई है। अब यदि वहां भी जुड़ी हुई है तो फिर योग में बैठेंगे तो क्या होगा, उनका भी ध्यान आना शुरू हो जाएगा। बैठे हैं यहाँ योग में, तन यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है? देखें, अपने आप को हमें देखना है। तो प्यार, प्यार को बढ़ाते जाएं। बाबा ने कहा, जितना प्राप्तियों को याद करेंगे बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, जितना निराकार स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे प्यार बढ़ता जाएगा। और बाबा ने कहा है, लव ही लक के लॉक की है। ये जो प्यार है यही सर्व खजानों की चाबी है, प्यार में ही भगवान को बांधा जा सकता है, इसलिए प्यार डूबे। और दूसरी बात, बिल्कुल बेहद का वैराग्य ना, जो कहा कि अब अंधे बहरे और गूंगे बने, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत बोल लिया, अब तो इन आँखों से हम बाबा को ही देखें, इन आँखों से आत्मा दिखाई दे, इन आँखों से फरिश्ते दिखाई दे, इन आँखों से तीनों लोक दिखाई दे, इन आँखों से पूरा सृष्टि चक्र दिखाई दे, इन आँखों से अब ये दिखाई दे। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, अब देखो सारे दिन में हम इस तीसरे नेत्र का कितना प्रयोग करते हैं। इन आंखों से बहुत देखा, अब इन आंख से देखना है। इस कान से हमने दुनियावी बहुत सुनी बातें, अब इन कानों में केवल भगवान के महावाक्य अनहद नाद की तरह गूंजते रहें। लोगों की बातें हमें याद रहती हैं, भगवान ने क्या कहा वो कितना याद रहता है, आज बाबा ने क्या कहा, कल क्या कहा, बाबा के एक एक महावाक्य हमारे जीवन को बदलने वाले हैं, मूल्यवान बनाने वाले हैं, हमें देवतुल्य बनाने वाले हैं। उन महावाक्यों का कितना अनहद नाद मेरे अंदर चलता है, क्योंकि जो देखेंगे जो सुनेंगे वही मन बुद्धि को ले जाएगा जहां ले जाना है। जो देखता है व्यक्ति, जो सुनता है, उसी के आधार पर मन में विचार चलते हैं। अब यदि मैं टेलीविज़न देखती हूँ, उसमें मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, उसमें मैं नाच गाना देख रही हूँ, तब जब योग में बैठेंगे तो क्या होगा, जो बहन जी वहाँ नाच रही थी वो फिर यहाँ योग में नाचने लगेंगे, है ना, होगा या नहीं होगा? तो ऐसी चीज़ें क्यों देखें, ऐसी चीज़ें क्यों सुने, डिस्टर्ब करें? अब तो हमें मन मनाभाव होना है, इसलिए अपने आप को समेटें। चलना है ना वापस, चलना है ना,
बाबा कहते हैं अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का कर लो। तैयार हैं सभी कानपुर के भाई बहने? बाबा कहें चलो बच्चे तो तैयार हैं? तैयार है, कौन कौन तैयार है? अरे वाह क्या बात है, विद्या देते लगभग आपकी पूरी क्लास पास। चलने को तैयार है, सच्ची तैयार है। एक होता है कि हाँ चलो चलना ही है तो चलो, और एक है पूरी तैयार, तैयारी के साथ चलना। तो जब पूरी तैयारी के साथ चलते हैं तो ज्यादा आनंद आता है जी। इसलिए सब पहुंच गए, तैयारी में रेडी है। इसके लिए तो आप बिल्कुल पास है, इसके लिए एक बार अपने लिए ताली जरूर बजा ले। आपकी लगन, आपकी निष्ठा, बाबा के लिए प्यार, ये तो इसका एक सुंदर प्रमाण है कि आप सब यहाँ पहुँच गए हैं ऐसी माहौल और ऐसी स्थिति में भी। लेकिन अपने आप को देखना है, मैं एवर रेडी हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ। बाबा जो देने के लिए आए हैं, क्या मैंने सब कुछ ले लिया? क्या मैं पूरी तरह से बाबा के साथ जो सर्व संबंध है उनकी रसनाओं को मैं ले चुकी हूँ? बाबा जो देने आए हैं उनको लेकर के तैयार हो चुकी हूँ? वो अपने आप को देखना है, क्योंकि शिव की जब बारात चलेगी तो एक होंगी सजनी और दूसरे बाराती होंगे। तो जो सजनिया बन के चलेंगे वो जरा हाथ उठाएं, जो शिव की सजनिया बन के चलेंगे, अच्छा ठीक है, और जो बाराती बन के चलेंगे, अच्छा दो चार बाराती भी हैं, यहाँ बारातियों की संख्या कम है, वैसे बाराती ज्यादा होते हैं, सजनिया कम होती हैं। तो यदि सजनी बन के चलना है तो सजनी कैसी होती है? मैं हमेशा माताओं से पूछता हूँ, जब आप अपने मायके से पहली बार ससुराल आई तो कैसे आई? ऐसा तो नहीं कहा भाई साहब को एक ड्रेस पहन के कि चलो जी चलते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना? बिल्कुल सज धज के 16 श्रृंगार करके आप आए, जितना सज सकते थे उतनी सजी। अब शिव साजन के साथ चलना है तो कैसे सज चलना होगा? सज धज के, सजनी बन के वो जाएगी जो संपूर्ण रूप से सजी सजाई होगी ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। हमें अपने आप को सजाना है, ये समय है। और यदि सजे हुए नहीं होंगे तो अपने आप बाराती में शामिल हो जाएं। शिव की बारात देखिए ना कैसे होती, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, भूत, प्रेत, पिशाच सब शामिल। मतलब जैसे घंटी बजी, जो जिस कंडीशन में है चलो आप, हा? जिस कंडीशन में हो चलो, तो उसमें सब शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हमें सजनी बन के चलना है, सजनी बन के, क्योंकि शिव इतना सुंदर, हमारा श्रेष्ठ जो सर्वोच्च है, परम पिता है, उनकी सजनी को कैसा होना चाहिए? और यदि पति बहुत लौकिक में भी हैंडसम हो और पत्नी उतनी ठीक ना हो तो लोग क्या कहते हैं? जोड़ी में मजा नहीं आया। तो हमारी जोड़ी देख के लोग ये ना कहें मजा नहीं आया, पति तो बड़ा लेकिन पत्नी उतनी ठीक नहीं है। तो मैं इतनी उनके समान बन जाऊं, इतनी श्रृंगारित हो जाऊं कि लोगों को देख के लगे कि हाँ ये शिव पार्वती की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? और वो कैसे होगा? हमारी योग से, योग से, जिसको बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जिसके समान मुझे बनना है, जिसके साथ मुझे चलना है, जो सारे कल्प में केवल एक बार मुझे मिला है, अब बस मैं उसके अंग संग रहने लगूं, जिसको बाबा ने आज कहा ऊपर रहो मेरे साथ। साथ रहेंगे, समान बनते जाएंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम एग्जाम्पल भी देते हैं लोगों को, सागर के किनारे जाओ ऑटोमेटिक शीतलता मिलती है, आग के पास बैठो ऑटोमेटिक उसकी उष्मा मिलती है, भगवान के साथ रहो ऑटोमेटिक उसकी शक्तियां, उसके गुण भरते चले जाएंगे। इसीलिए हम साथ साथ रहें। कैसे रहेंगे सारे दिन साथ? कर्मयोग की बात है ना। लेकिन उससे पूर्व एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब भी हम योग करते हैं तो योग में मन और बुद्धि दोनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। मन मनन करता है और बुद्धि दृश्य देखती है।
दोनों को साथ साथ हमें लेकर के चलना होता है। मन मनन करे और बुद्धि दृश्य देखे। यदि मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और देख रही है, तो एकाग्रता नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। कैसे? सिंपली आप एक प्रैक्टिस करके देखें। अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके चलिए। सभी अपने अपने घरों में चलेंगे। देखिए, यहां से मैं वापस जा रही हूं अपने घर में। सफेद लाइट ही रखें। अपने घर में वापस जा रही हूं, अपने घर में एंटर कर जाएं, किचन में पहुंच जाएं। देखें किचन में टोकरे में नींबू रखे हुए हैं या फ्रिज में नींबू रखे हैं। उस नींबू को निकालिए, चाकू से काटिए और काट कर उसे अपने मुख में निचोड़िए। टप टप टप, नींबू का रस बहुत खट्टा है जिससे मेरे दांत खट्टे होते जा रहे हैं। मुख लार से दूसरा स्लाइस भी निचोड़े अपने मुख में। टप टप टप, नींबू का रस बहुत बहुत खट्टा है, मेरे दांत खट्टे होते जा रहा है। पास ही खट्टी इमलियां रखी हुई हैं कच्ची, उसे भी उठाएं, चूसे उसे। इमली बहुत खट्टी है, मेरा मुख बिल्कुल लार से भरता जा रहा है, दांत खट्टे होते जा रहे हैं। अपनी आंख खोलें। किस किस के मुंह में पानी आया, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया शायद उनके घर में नींबू नहीं था। वो ढूंढ ही रहे थे कि भाई नींबू कहाँ है, क्या काटे हैं। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ बैठे हुए थे, हाँ, आपके मुख में यहाँ बैठे बैठे पानी कैसे आ गया? मन से आप मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बुद्धि से उस दृश्य को देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ बैठे बैठे ही आपके मुख में नींबू निचोड़ा नहीं गया, लेकिन मुंह लार से भर गया। इसी टेक्निक को हमें योग में भी यूज करना है, योग में भी इसे यूज करना है कि हम बिल्कुल ही जो चिंतन कर रहे हैं उसी को देखें। जितना अच्छा आपका मनन होगा और जितना अच्छा आप उस दृश्य को देख पाएंगे, उतना ही आप एकाग्र होंगे। हमारा योग बहुत अच्छा हो रहा है, इसका पैमाना क्या है, कैसे मापेंगे इसे? मान लीजिए मुझे एक साल हो गए, दो साल हो गए, पांच साल हो गए, मेरा योग बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, वहीं खड़ा हूँ या पीछे हट रहा हूँ, क्या निशानी है उसकी, पैमाना क्या है? खुशी होगी और संतुष्टता होगी, हल्कापन आएगा, स्थिति अच्छी होगी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे पैमाने हैं। तीन पैमाने मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इन पैमानों के आधार पे अपने आप को देखिएगा। अब हमें योग को बढ़ाते चलना है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं। और हम अपने योग के चार्ट को 8 तक तभी ले जा सकते हैं जब हम कर्म योगी बने। कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपके सामने अभी रखूंगा जिनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन तीन पैमाने उससे पहले। पहला पैमाना अपने योग को मापने का, पहला पैमाना स्पीड। स्पीड अर्थात गति, मैं कितना जल्दी किसी भी स्वरूप में स्थित हो पाता हूं। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ, 1 सेकेंड में परमधाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या मैं स्थित हो पाता हूं? मुझे कितनी देर लगता है किसी भी स्वरूप में स्थित होने में? कितनी देर में स्थित होना है? 1 सेकेंड में। कईयों को 1 मिनट लग जाता है, कईयों को 5 मिनट लग जाता है, कईयों को आधे घंटे लग जाते हैं, फिर भी उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं। तो हमें पास विद ऑनर होना है, तो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए
एक सेकेंड तक लाना है। कहा गया सेकेंड में स्थित हो, सेकेंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। तो पहला पैमाना है स्पीड, दूसरा पैमाना है ड्यूरेशन। कईयों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, फटाफट निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक भाई ने कहा कि आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा, बस मैं इस देह से निकल करके बस इस साकार लोक को पार करते हुए सूक्ष्मतन पहुँच गया, सूक्ष्मतन को पार करते हुए परम धाम पहुँच गया, परम धाम को भी पार करके मैं ऊपर जा रहा था। तो बाबा ने आवाज़ लगाई, बच्चे स्पीड बहुत अच्छी होती है ना, अब परम धाम से ऊपर मतलब नीचे, तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, हम फटाफट परम धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस स्पीड से परम धाम जाते हैं उसी स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। अभी अभी हमें लाल लाल परम धाम दिखाई दे रहा होता है और अभी अभी लाल लाल टमाटर दिखने लगते हैं, लाल लाल तरबूज दिखने लगते हैं। हम सोचते हैं, कह रहे मैं तो परम धाम में था, यहाँ बाजार में आके टमाटर कैसे खरीदने। तो स्पीड अच्छी है लेकिन ड्यूरेशन अर्थात समय, देर तक किसी भी स्थिति में स्थित हो सकता हूं। बाबा कहते हैं तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर तक चाहो अपने आप को स्थित रख सको, ये है योगी जीवन, ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, ये है मन पर कंट्रोल। ये नहीं कि मैं मन को चाहूं कि परम धाम में रहे और मन बार बार भाग के संसार में आ जाए। तो सेकेंड पैमाना ड्यूरेशन, और थर्ड पैमाना है क्वालिटी। मेरे योग की क्वालिटी डे बाय डे रिफाइन होती जाए, डे बाय डे। एक आम आपको 5 रुपए में भी मिलता है और वही आम आपको 25 रुपए में भी मिलता है, डिफरेंस क्या है? क्वालिटी डिफरेंस। मैं अपने योग की क्वालिटी को डीप से डीप करता जाऊँ, मुझे खुद फील हो कि कल जैसे मेरा योग था आज उससे और सूक्ष्म हुआ, कल उससे और सूक्ष्म हुआ, परसों और मैं उसकी क्वालिटी को निखारता चल रहा हूँ, इसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं, इसको निरंतर आगे बढ़ना कहते हैं। तो इन तीनों पैमानों के आधार पर अपने योग को हम चेक करेंगे। अब 4 प्रैक्टिसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ कर्म योग की, उन प्रैक्टिसेस को हम लोग यहाँ करेंगे भी। कर्म योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कर्म योग को आप इस रूप में समझें जैसे ब्रह्मा बाबा हर लौकिक चीज़ को अलौकिक में परिवर्तित कर देते थे, हमें भी हर लौकिक चीज़ को अलौकिक में परिवर्तित करने की कला आनी चाहिए। बाबा एरोप्लेन देखा करते थे, कहते थे बच्चे देखो एरोप्लेन जैसे उड़ता है तुम्हारी स्थिति भी एरोप्लेन की तरह उड़ती कला की होनी चाहिए। बाबा कभी मोटर गाड़ी देखते थे, कहते थे देखो जैसे ये मोटर गाड़ी है तुम्हारा शरीर भी मोटर गाड़ी है, तुम आत्मा ड्राइवर हो। बाबा पेड़ देखा करते थे, कहते थे देखो जैसे ये पेड़ है वैसे तुम भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो। सुबह से लेके रात तक अलग अलग कर्मों को हम अलौकिक रूप देना सीख जाएं। जब नहाते हैं तो भी वॉशरूम में बाबा के साथ साथ नहाएं, एक लोटी जैसे मैं बाबा पे चढ़ा रहा हूँ बाबा एक लोटी मुझ पे चढ़ा रहे हैं, मैं और बाबा दोनों ही साथ साथ स्नान कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो भी मैं बाबा को एक गिट्टी खिलाता हूँ बाबा मुझे एक गिट्टी खिला रहे हैं, मैं अपने पिता को खिलाता हूँ पिताजी मुझ पुत्र को खिला रहे हैं, मैं अपने साजन को खिला रहा हूँ साजन मुझ सजनी को खिला रहे हैं। क्या हो गया ये प्रैक्टिस। जब आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या प्रैक्टिस कर लें? जितनी देर मैं बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रहे हों, ऊपर से बाबा मुझे धो रहे हैं। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना? मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ और बाबा की किरणें ऊपर से आ रही हैं, मुझ आत्मा को धो रही हैं। हम लोग जब मधुबन में अभ्यास कर रहे थे तो कई भाई बस बर्तन ही धोते रहते थे, बर्तन ही, पीछे लाइन लग जाती थी भाई चलो जल्दी खाली करो, तो कहते थे नहीं 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 मुझे धोने दो अच्छे से, जब तक मैं बर्तन धो रहा हूँ तब तक बाबा मुझे ऊपर से धो रहे हैं, ला तू अपनी भी थाली दे दे मैं तेरी भी थाली धो देता हूँ। तो कितने भी कपड़े जमा हो जाए आपके पास धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, आप इंजॉय करेंगे। यदि हम कर्मयोगी बन जाते हैं हम अपने कर्म को इंजॉय करने लगते हैं,
कर्म हमें इरिटेट नहीं करते, परेशान नहीं करते, हम ऐसा नहीं सोचते कि कब जल्दी ख़त्म हो और मैं योग करने के लिए जाऊं। नहीं, अपने उस कर्म को ही योग बना लें तो हमारा योग ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। चार प्रैक्टिसेस मैं आपके सामने इजी रखता हूं, क्योंकि बहुत सारे कर्म हैं, हो सकता है उन सभी कर्मों में हम याद ना भी रख पाएं, लेकिन चार हमारे शरीर की अवस्थाएं होती हैं। एक होता है हम चलते हैं, दूसरा होता है हम बैठते हैं, तीसरा होता है हम खड़े रहते हैं, और चौथे शरीर की अवस्था है हम लेटते हैं। ठीक है ना, यही चार अवस्थाएं सुबह से लेकर के रात तक हमारी होती हैं। ठीक है, अब इन चारों अवस्थाओं के साथ हम कुछ योग का अभ्यास जोड़ लें ताकि कर्म योग हमारे लिए सहज हो जाए। जब हम चलेंगे, जब भी चलें आप, तो चलते समय अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूं। एक प्रैक्टिस ले लें, प्रैक्टिसेस आप बाद में चेंज कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल एक एक प्रैक्टिस। जब भी चलेंगे, चलते समय मैं फरिश्ता हूँ, और मैं फरिश्ता जैसे लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूँ। कभी आप इसके साथ जोड़ लें, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति की किरणें चारों तरफ फैलाता हुआ चल रहा हूँ। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता की किरणें चारों दिशाओं में फैलाता हुआ चल रहा हूँ। कभी मैं आनंद का फरिश्ता हूँ, आनंद की तरंगे फैलाता हुआ चल रहा हूँ। लेकिन मैं हूँ फरिश्ता, अवतरित अवतार हूँ, इस संसार का नहीं हूँ, लाइट की बॉडी है मेरी, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ। तो जब भी चलेंगे फरिश्ता बन करके चलेंगे। ठीक है, दूसरा, जब हम बैठेंगे, बैठना हमारा ज़्यादा होता है राइट, तो बैठते समय हम तीन चार प्रैक्टिसेस कर लें। पहली प्रैक्टिस, बैठते समय मैं भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, मेरा ये शरीर जमीन पे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है या सोफे पे बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हुई हूँ। दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हूँ, जैसे बाबा परम धाम में बैठे हुए हैं, मैं भी, मेरा तन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ, बाबा की छत्र छाया में, बाबा की किरणों के नीचे। बस एक प्रैक्टिस की बात है, अपने आप को ट्यून करने की बात है। एक बार यदि अभ्यास हमें लग गया, इसकी टेव लग गई, तो ये नेचुरल होता रहेगा, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइकिल जब चलाना सीखते हैं, फोर व्हीलर चलाना सीखते हैं, तो बहुत ध्यान रख करके धीरे धीरे करते हैं, और एक बार आदत हो जाती है तो फिर साइकिल भी हाथ छोड़ करके चलाने लगते हैं, या गाड़ी चला भी रहे हैं लेकिन फिर फास्ट भी चलते हैं, लेकिन वो कंट्रोलिंग भी रहती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम यही चीज़ हमारी योग में भी है, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए सहज होता जाएगा। तो दूसरी प्रैक्टिस, बैठते समय मैं परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ। तीसरी प्रैक्टिस, बैठते समय मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ हूँ, मम्मा बाबा मेरे दोनों तरफ, जो हमारे आदि रत्न है वो भी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, मैं भी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूँ, सुख शांति शक्ति की सकाश पूरे कल्प वृक्ष को दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करेंगे, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। चौथी प्रैक्टिस करेंगे, बैठे हुए मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूँ, बाबा की गोद में। देखें डायमंड हॉल में जैसे बाबा आए हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, और जैसे बाबा मुझे प्यार से बुला रहे हैं, आओ बच्चे ज़मीन पर क्यों बैठते हो, बाबा की गोद में बैठो। तो बाबा की गोद पसंद है ना, बैठेंगे ना बाबा की गोद में। वैसे साकार में तो वैसे संभावना नहीं होगी, लेकिन सूक्ष्म में बाबा हमें आह्वान करते हैं, ऑफर करते हैं, आओ बच्चे बाबा की गोद में बैठो। तब कहाँ बैठेंगे? तो ये चार सिंहासन मधुबन की तरफ से आपको सौगात में। पसंद है ना, पसंद है ये चारों सिंहासन? तो अब से इन सिंहासनों पर ही बैठेंगे। राजा कहाँ बैठता है?
सिंहासन पर। तो भृकुटी सिंहासन पर, परम धाम में, कल्प वृक्ष की जड़ में और बाप दादा की गोद में यहाँ हम बैठेंगे। जब भी बैठेंगे अपने आप को तुरंत कहाँ बैठे हो अभ्यास में ले आएंगे। तीसरे हमारे शरीर की अवस्था होती है, हम खड़े रहते हैं और खड़े होकर के मोस्टली हम क्या करते हैं, खड़े होकर क्या करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। तो जब भी खड़े होकर एक दूसरे से बात करें तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आत्मा देख कर बात करेंगे। ठीक है, मैं आत्मा, आत्मा भाई को देखकर बात कर रहे। कुछ अनाउंस करना है जी? तो खड़े होकर के प्रैक्टिस, आत्मा भाई को देखकर बात करना है। बाबा ने इस प्रैक्टिस को बहुत धुन लगा दी थी ब्रह्मा बाबा ने। यदि आप ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ें तो बाबा ने धुन लगा दी, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, नारायण भी आत्मा, राधिका भी आत्मा, ये सब आत्माएं बाबा ने धुन लगा दी। और बाबा ने ये कहा है, बाबा की इस महावाक्य से आप समझ सकते हो इस आत्मिक दृष्टि का कितना महत्व है। जब तक तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल नहीं होगी तब तक संसार की आत्माओं की दृष्टि तुम चमकती हुई मणियों पर नहीं जाएगी, प्रत्यक्षता नहीं होगी। इसीलिए हम ये धुन लगा दें, जब भी खड़े हों एक दूसरे से बात करें, आत्मा देखकर बात करें। अब देह पर ध्यान ना जाए, किसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, उस पे ध्यान नहीं, नेचुरल मेरी नज़र चमकती हुई आत्मा पर। ठीक है, मकान की छत पे भी खड़े हो जाएं तो भी आते जाते हुए लोगों को आत्मा रूप में देखेंगे, और जब खड़े होकर एक दूसरे से बात करें तो भी भृकुटी तख्त पर मेरी नज़र जाए। चौथा, जब हम लेटेंगे तो जैसे ही लेटते हैं वैसे ही नींद तो नहीं आ जाती ना, 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगता है। कोई ऐसा है जिसको नींद नहीं आती यहाँ पे? आती है, अच्छा, सभी को बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, इधर ठीक है, मिलेंगे आपसे, व्यक्तिगत मिलेंगे, लेकिन होल सेल तो जैसे सभी को बहुत अच्छी नींद आती है ना। बाबा का बनने के बाद हम सबका जीवन इतना निश्चिंत हो गया है, हल्का हो गया है कि नींद बल्कि ज़्यादा ही आती है, राइट? हम तो लोगों को चैलेंज करते हैं, हंसी में चैलेंज करते हैं कि कोई कैसा भी अनिद्रा का रोगी हो उसे बुला लो हमारे यहाँ, हमारी मुरली क्लास में बिठा दो। हम कहते हैं यहाँ अच्छे अच्छे सो जाते हैं। बात हंसी की है, लेकिन सचमुच बाबा की मुरली से, बाबा के ज्ञान से सबका जीवन कितना सहज, सरल, हल्का हो गया है कि अब नींद तो बहुत इजी आती है। लेकिन जैसे ही बेड पे जाएं, बाबा ने कहा है जैसे बिस्तर पर जाओ पहले अपना पोता मेल बाबा को दो। और पोता मेल देने से बाबा ने कहा दो बहुत अच्छे फायदे, एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी और दूसरा धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो रोज़ अपना पोता मेल, बाबा को पत्र 2 लाइन में 4 लाइन में आधे पेज में ज़रूर दिया करें कि बाबा कैसा रहा दिन, आज का पुरुषार्थ और कल मैं क्या करूँगा। आप देखेंगे इसका बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। तो जैसे ही बिस्तर पर जाएं, अपना पोता मेल बाबा को दें और दो प्रैक्टिस करते हुए सुन। जब मम्मा बाबा के जीवन को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी विशेषता सब विशेषताओं के साथ कि मम्मा बाबा जागते हुए तो कर्मयोगी थे ही, योग युक्त रहा करते थे, लेकिन जब सोते थे तब भी योग युक्त सोया करते थे, योग निद्रा हुआ करते थे। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा जैसे सोती थीं वैसे ही उठ जाया करते थे, उनके बिस्तर पे सिलवटे भी नहीं होते थे। और हम लोग सो के उठते हैं तो, हम लोग सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध यही हुआ था, रजाई इधर, गद्दा इधर, तकिया इधर। क्यों ऐसा होता है? योग युक्त होकर नहीं सोते। बाबा ने हमें सिखाया, मम्मा ने सिखाया, योग युक्त होकर के सोएं। क्या प्रैक्टिस करते हुए सोएंगे? अपना पोता मेल देने के बाद पहली प्रैक्टिस, मैं ब्रह्मा माँ की गोद में सिर रख कर सो रहा हूँ।
जैसे ब्रह्मा माँ प्यार से मुझे लोरी सुनाते हुए सुला रही हैं, ज्ञान लोरी सुनाते हुए सुला रही हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हुए सोएंगे। इधर उधर का चिंतन नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं, दुनियावी चिंतन नहीं, क्योंकि ये भी रात को सोना लास्ट होता है ना, इसको भी एक छोटी मृत्यु कहते हैं। अंतमति सो गति वो लास्ट वाली नहीं, ये भी अंतमति सो गति ही है कि लास्ट साथ सो रहे हैं, वैसा ही हमारा स्वप्न होगा, वैसा ही हमारा दूसरा दिन अमृत वेला होगा। इसीलिए रात को सोते समय सुंदर ज्ञान के संकल्पों के साथ बाबा की गोद में, और दूसरा अभ्यास करते हुए सोएंगे, जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं, है ना, अपना हाथ बिल्कुल ऐसे रख करके, तो जैसे ही बिस्तर पर जाएं आराम से विष्णु जी बन करके लेट जाएं। और विष्णु जी को दिखाते हैं कि वो गीता ज्ञान का सिमरण करते करते विश्राम कर रहे हैं, सारे विश्व को सकाश देते देते विश्राम कर रहे हैं। हम भी सारे विश्व की आत्माओं को जो अनिद्रा के रोगी हैं उन्हें भी सकाश देते हुए विश्राम करेंगे।